देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चल रही 5 दिवसीय श्री राम कथा अमृत सत्संग समारोह का समापन हो गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाया। चंदन नगर में आयोजित श्री राम कथा अमृत सत्संग कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी सतपाल जी महाराज के अनुभवी संत महात्मा पार्वती बाई जी, आराधना बाई जी, महात्मा करुणा बाई जी, महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी, महात्मा आराधिका बाई जी ने अपने आध्यात्मिक विचार रखे। 5 दिनों से चल रही श्री राम कथा अमृत सत्संग कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मिशन एजुकेशन की ओर से एक बॉक्स भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने पेंसिल रबड़ बॉक्स में डालकर मिशन एजुकेशन की ओर से गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए चलाए जा रहे मिशन में अपना सहयोग दिया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ललित कुमार की रिपोर्ट। हमारे महाराज श्री का यही लक्ष्य है कि मानव अपने आप को जाने। ये शरीर हम नहीं है, शरीर कुछ दिनों के लिए हमें मिला है, कुछ वर्षों के लिए, 50 साल, 60 साल, 25 साल, लेकिन वास्तव में कौन सी शक्ति शरीर में है जिसे शरीर चलाए माने, ये क्रियाशील है। उस सत्य को जानने का ज्ञान उद्देश्य गुरु महाराज जी का है कि हम सबको सत्य को जनाए, और उनका यही कहना है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि होने से पहले हम मानव हैं, और मानव मात्र का एक ही धर्म है कि मनुष्य अपनी आत्मा को जाने, सत्य को जाने। आज हमारा विशेष करके 5 दिवसीय एक रामायण आधार पर सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया था, और हमारी ये संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज है, और उन्हीं की प्रेरणा से हमने 5 दिवसीय एक रामायण आधार पर सत्संग का आयोजन किया गया था, और साथ साथ में एक सद्भावना यात्रा निकाली कि जिससे करके हम नगर में, शहरों में, गलियों में लोगों को सत्संग में आने के एक ऐलान किया गया कि सत्संग में आइए और संत महात्माओं के विचारों को सुने, और साथ में आज वृक्षारोपण भी किया, और 5 दिवस का कार्यक्रम सत्संग का कार्यक्रम भी रहा। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।